हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्कूल गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्कूल गाइस। और मैं बना रही हूँ डिनर, मतलब रोटी। और आज मेरी किचन आ गई है बाहर, क्योंकि मेरी किचन में चल रहा है काम। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मेरी किचन में हो रहा है इस समय काम। तो किचन मेरी हो गई खाली, मतलब सामान रखा है पर काम चल रहा है। ये सब देखिए, ये सब चल रहा है इस समय। सब में स्लिप व्लिप डलेगा और ये सब ठीक होगा। तो किचन उन लोगों ने ही खाली, मतलब सामान जो गैस वैस है खाना बनाने की, वो सब हटा दी। और अभी तो मेरा सारा घर गाइस ऐसा हो रहा है। तो जो निकल आते हैं स्टाफ के, उन्होंने ही मेरा खाना बनाने का इस साइड रख दिया है। बोले यहाँ रख के तुम आराम से खाना बनाओ। तो मैं अभी बना रही हूँ रोटी और हस्बैंड ने बनाया है चिकन। मैं तो चिकन नहीं खाती हूँ, तो मैंने मेरा रखा हुआ था पनीर और मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। गाइस बताइए आप लोग खाने के लिए। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, और कुछ सामान इधर रखा है, कुछ उधर रखा है, पूरे घर में हो रहा है। क्योंकि काम हो, कभी थोड़ा काम इधर फैलाते हैं, थोड़ा उस रूम में, थोड़ा उस रूम में, ऐसे करके रहता है। तो गाइस मैं बना रही हूँ रोटियाँ, गर्मा गर्म आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस देखिए मेरी रोटी बन रही है तवे पर। माइंड मत कीजिएगा गाइस, सारा सामान इस समय ऐसे हो रहा है, सारा फैल रहा है। क्या करूँ, कहाँ रखूँ, जहाँ भी रख रही हूँ सब तरफ ऐसे ही फैला हुआ है। पर कोई बात नहीं, जब घर में काम होता है तो कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है। जब सब ठीक हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो सारा ठीक हो जाएगा गाइस। और देखिए ये ऐसे तख्त के ऊपर ये रखा हुआ था तब, और ये टब में बर्तन थे, तो दर्श ने सारा निकाल के सब फेंक दिए हैं। ये अपनी शैतानी करने में लगे हुए हैं, इनको ये लग रहा है कि घर में क्या चल रहा है, खूब शैतानी करनी मिल रही है। ये सोचते हैं कैसे भी करके मम्मा छोड़े और मैं मिट्टी में जाऊँ और जाके मिट्टी खाऊँ, ऐसे कुछ। तो गाइस काम में लगे हुए हैं, बहुत काम है, चारों तरफ काम फैला हुआ है मेरे घर में इस समय। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए, आपके घर में काम होता है तो आपका घर भी ऐसे ही फैल जाता है गाइस। लेकिन काम हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। काम नहीं होगा तो फिर ठीक कैसे होंगी चीज़ें। पहले फैलेगा तभी तो सब ठीक होगा गाइस। चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, 5-6 दिन की बात है, कोई बात नहीं। तो वैसे ही बनी मेरी रोटी, हस्बैंड खा रहे खाना क्योंकि फिर सब्जी ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा आप खा लो, मैं लेट खाऊंगी, अभी मुझे भूख नहीं है, शाम को ही मैंने खाया है। तो वो खाना खा रहे हैं, मैं जाती हूँ उनको रोटी देने। तो लेट खानी है खाना, अभी भूख नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप गरम गरम खा लो, फिर आपके लिए कर रहे हो, क्योंकि मेरे को हो सकता है मैं ना भी खाऊं, क्योंकि भूख नहीं है बिल्कुल भी गाइस। तो मैं खाना रोटियां सेक रही हूँ और सब्जी मेरी पनीर की रखी है, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ। तो चिकन मेरे हस्बैंड ही खाते हैं और वही बनाते हैं। और कल पनीर भी उन्होंने ही बनाया था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। कल में काम करने में, सामान इधर से उधर रखने में ही बिजी हो गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो फिर उन्होंने ही बना लिया था और मैं अपना सामान हटा रही थी, खाली कर रही थी इधर से उधर रूम वगैरह। तो उस चक्कर में मैं कल ब्लॉग नहीं कर रही, मैंने तो चलिए
दर्श बैठा हुआ है, ये देखिए ये अपने में लगे रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, इनको लगता है कि कुछ नया हो रहा है घर में, तो इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है, इनको जानकी को शैतानी करनी मिल रही है खुल के इस समय। तो आप बताइए गाइस, आप लोगों ने खाना खा लिया? मेरा टेलीफोन में थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा हो रहा है, पता नहीं कैसे थोड़ा टेढ़ा सा, तो वही मैं सीधा कर रही थी कि अगर मेरा टेलीफोन टेढ़ा हुआ तो मैं आप लोगों को टेढ़ी टेढ़ी नहीं चलाऊंगी। कितना शोर मचा रहा है, पर इसको समझाना ही बेकार है, इसको उनको समझ में नहीं आएगा, इनसे इनको डांट लो कुछ कर लो, लेकिन इनको जो करना है वो करना है। तो गाइस मेरी रोटी बनके हो गई है तैयार, बना रही हूँ रोटी फटाफट फटाफट से, और अपनी बना के रख लूँगी दो तीन, मन होगा तो खाऊंगी, नहीं होगा तो फिर खाली मिल्क ले लूँगी गाइस मैं, क्योंकि अभी शाम के टाइम में मैंने खाया है तो मन। तो गाइस बताया क्या हुआ, अभी वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं ना, तो बर्तन वाली ने बर्तन धुले होंगे, उसी में ये चाकू था नाइफ ये उसी में डाल दिया, मैं रोटी बना रही थी दर्श ने उठा लिया, वो तो मैं मेरी आदत है कि जब मैं कुछ काम करती हूँ या कहीं भी होती हूँ ना, दर्श को मुझे बार बार देखना होता है, और जानकी को भी कि वो क्या कर रही है, क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं होता ना, बच्चे कब क्या शैतानी करने लगते हैं, अभी इतना समझ नहीं है जानकी को भी नहीं है, दर्श को भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं, देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखा तो वो अपने नाइफ से उसको ग्लास को ऐसे कट कर रहा था, तो दे दिया, चिल्ला रहा है मांग रहा है कि मुझे दे दो। क्या हुआ क्या हुआ, क्या चाहिए? हाँ अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, अपनी भाषा में बात कर रहा है। क्या हुआ दर्श, क्या चाहिए आपको? कुकर खोलना है, उसको कुकर खोलना है, देखना है उसमें क्या है, यही लगा रहता है इन लोगों का। चलिए हम अपनी रोटी बनाते हैं फटाफट से, और फिर मिलते हैं आपसे रोटी बना करके गाइस। हेलो गाइस, आज मेरी जानकी ने सुनाया आपको एक प्यारा सा सॉन्ग, अगर आपको मेरी जानकी का अब वो कल सुनाएगी, और आपको अगर मेरी जानकी का सॉन्ग पसंद आए तो हमारे और आपको हमारे चैनल, अगर आपको हमारा सॉन्ग पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड वीडियो और वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहे। और हमारा भाई क्या कर रहा है, सारे बर्तन उसने पटक दिए, नीचे फेंक दिए हैं, वो अपने काम में लगा हुआ है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वो घर तोड़ने में लगा रहता है, कभी कुछ फेंकता है कभी कुछ फेंकता है। तो गाइज अगर आपको मेरी बेटी का गाना पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसको आटा चाहिए खेलने के लिए, आटे से खेल, चुप तो जाओ, देंगे आटा, शैतानी नहीं करो। तो आटे से गाइस क्या करती है ना, जैसे किले से खेलते हैं तो किले ला के दे दो उसको, कितना भी किले से खेलती है और उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाती है और सब फेंक देती है दो दिन बाद, फिर उसको वही किले से उससे खेलना होता है, तो जब किले नहीं होता है तो वो आटा मांगती है, आटे से खेलती है, तो ये सब उसको करना होता है।
ये सिपाहियाँ हमारे घर में चलती रहेंगी गाइस। रात में हमारे यहाँ एक एक बजे तक यही चलता रहता है, बच्चे एक एक बजे तक सोते नहीं हैं, इनकी कितना भी कोशिश कर लो रात देखो नहीं सितानी नहीं करो बेटा। ये बोस ने बर्तनों की बाजार लगा रखी है और इसको क्या है मुझे पापा के दाने ब्लैक शॉल्ट है, ब्लैक शॉल्ट दे दो छोटा सा मेरे हाथ में, क्या करोगी पापा के उसमें खाने में डालूंगी। पापा को चाहिए क्या? हाँ। नहीं चाहिए, मुझसे तो नहीं बोला पापा ने, आप पहले पापा से पूछ तो लो। इतने होशियार बच्चे हैं, अपने आप ही उसको पापा के खाने में ब्लैक शॉल्ट डालना है। पापा खाना खा चुके हैं लेकिन वो जाएंगे तो उसको खुद चाहिए, वो छोटी चाटती है उसको अच्छा लगता है। तो गाइस बस ये हमारे घर में चलता रहेगा और ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं, बस क्या करें यही ज़िंदगी का वो है। चलिए गाइस तो अब मैं जाती हूँ, मैंने सेक लिए थोड़ा सा किसी हिसाब से रही मैं, और बच्चों को खाना खिलाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इनको खाना खिलाने के बाद। तो गाइस खाना मेरा बन गया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ, खाना लगा रही हूँ ताकि जानकी और दर्श को खाना खिला सकूँ। अभी मैं खाना ही बना दी, उसके बाद मैं साफ सफाई करूँगी, पहले इनको खिला देती हूँ वरना ये दोनों शैतानी करते ही रहेंगे, एक दूसरे को पीटते रहते हैं। देखो नहीं ऊपर उठो, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, देखो कहाँ बैठ गए दोनों, बड़ा सर दर्द करते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो घर इतना मिट्टी मिट्टी सी हो रही है, ऊपर से ये दोनों बड़ा परेशान करते हैं। इनका पूरा मेरी पूरी दिन की ड्यूटी रहती है इनको ऊपर नज़र रखना, इनका ध्यान रखना, डर लगता है ना कि मिट्टी मिट्टी है कुछ दाने वाने हो जाए, कीड़े वीड़े कोई काट ले, तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है गाइस। और अब मैं पहले इनको खाना खिला दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ आपसे गाइस। आज देखिए मैंने पहनी है स्कर्ट, और ये स्कर्ट मैंने मीशो से ही मंगवाई थी गाइस। एक्चुअली मैंने कुर्ता मंगवाया था, तो कुर्ते के साथ कुर्ता जो स्कर्ट वाला कुर्ता होता है वो मैंने मंगवाया था, और मीशो से ही मैंने ये टी शर्ट्स खरीदी थी। तो गाइस देखिए आज बहुत अच्छी है, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो कभी कभी मैं ये स्कर्ट वियर करती हूँ, अब बहुत आराम मिलता है इसमें, क्योंकि गर्मियों में जितना लाइट हम पहनते हैं, जितना हल्का कपड़ा पहनते हैं, इतना सॉफ्ट और कॉटन का, उतना ही हमें फ़ायदा करता है। और ये टी शर्ट भी मैंने मीशो से ली थी और ये भी बहुत मतलब बहुत हल्की है। तो गाइस मैं तो मीशो से शॉपिंग करती हूँ मतलब घर में पहनने के लिए, और अच्छा काफ़ी अच्छी है, मतलब मीशो पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है गाइस। तो गाइस ठीक है अब मैं मिलती हूँ आपसे, अभी थोड़ा सा काम निपटाती हूँ, फ्री होके आपसे बात करती हूँ गाइस। तो गाइस मैं लेके जा रही हूँ खाना अपना, जानकी का और दर्श का। ये है पनीर, ये जानकी के पनीर है जो मैंने अपनी ही सब्ज़ी में से वॉश कर दिया है, क्योंकि मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी चटपटी सी हो गई थी गाइस, तो वो खाएगी नहीं ऐसे, तो उसने कहा मामा मुझे पनीर खाना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं वॉश कर देती हूँ, वॉश करके खा लेना, तो वॉश करके रोटी के साथ खा लेगी। और ये दही है, इसको मैं दर्श को खिलाऊंगी थोड़ा और जानकी को, और ये पनीर की सब्ज़ी है गाइस, और यही आज का मेरा और मेरे बच्चों का डिनर है। हस्बैंड ने तो गाइस चिकन बनाया था तो वो खाया है, और क्योंकि थोड़ा चिकन जानकी ने खा लिया था उनके साथ में, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत ही खाना खाएगी, ज़्यादा नहीं खाएगी। हस्बैंड भी खा चुके हैं, देखिए अब वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया है। तो अब रही बात दर्श की, तो दर्श को तो मैं बाद में दूध और सेरेलैक्स दूंगी रात में सोते समय, और अभी मैं दर्श को थोड़ा बहुत जो भी खाएगा हमारे साथ में खा लेगा दही के साथ, और वरना सोते समय तो मैं उसको सेरेलैक्स ज़रूर देती हूँ क्योंकि रात में वो भूखा रहता है, अभी खेलेगा थोड़ी देर, एक बजे तक तो ऐसे ही जगते रहते हैं ये लोग। चलिए गाइस अब खाना खा के आपसे मिलते हैं। तो गाइस खाना खा के अब हम आ गए हैं किचन में, और अब हम करेंगे अपना किचन साफ। तो ये बच्चा मेरे ट्राईपॉड के चक्कर में घूम रहा है कि मम्मा इसको कैसे भी करके ट्राईपॉड दे दे, बहुत दान बच्चे हैं। नो 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 नो, पूरा टेबल, मैंने टेबल पे भी गैस वैस रखी हुई है तो पूरा टेबल हिला देता है, इतना शैतान बच्चा है, बहुत शैतानी करता है। जाओ वहाँ जाओ, देखो पापा क्या कर रहे हैं, ऐसे बोलना पड़ता है ताकि अंदर जाए और मैं अपना काम कर लूँ। तो गाइस अब
मैं करती हूँ अपनी किचन साफ फटाफट से, क्योंकि आज हस्बैंड ने बनाया है खाना किचन में, तो उन्होंने पूरी किचन का इधर से उधर करके रख दिया है। आप लोग के घर में भी ऐसे होता है, हस्बैंड अगर कभी किचन जाते हैं तो किचन का नक्शा ही चेंज कर देते हैं, पहले वो साफ कर देते हैं लेकिन कहीं की चीज़ कहीं और कहीं की चीज़ कहीं, तो ये कुछ डब्बे मैंने यहाँ जरूरत के रखे हैं, इसमें घी है गाइस तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, और इसमें चीनी है, चीनी और पत्ती, घी, नमक, ये दो तीन चीज़ें जो जरूरत तुरंत जरूरत के लिए मैंने यहाँ रखी है। तो भगोने में मेरा दूध है करना। अब मैं अपने बर्तन ये जो रखे हुए थे इस पे वो बर्तन साफ करती हूँ, बर्तन खाली कर लेती हूँ ताकि सुबह जब वो काम करने वाली आएगी तो बर्तन धुलेगी तो आसानी रहेगी। वैसे मैं रात में बर्तन धुल देती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं रात में बर्तन धुल दूँ, सुबह के जो बर्तन होंगे वो भगोने में सब्जी करके रख देती हूँ। फिर बच्चे खेल रहे हैं दोनों, मैंने कभी चिकन खाया नहीं है और ना मैंने कभी बनाया, तो कभी हस्बैंड मुझे सोच नहीं करते कि तुम बनाओ और ना मुझसे बनेगा, मुझे आता ही नहीं है और अंदर से मेरा मन ही नहीं करता कि मैं ये सब छू या बनाऊँ, क्योंकि शायद कभी मैंने ऐसा करा नहीं है। तो मैं बस प्याज लहसुन ये सब छील देती हूँ, काट देती हूँ, साथ में खड़ी होती इतनी मतलब ये सब हेल्प कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझसे नहीं होता है, नहीं कर सकती कि मैं उसको धुल दूँ, या मैं बना सकती हूँ कि प्लेट से उसमें डाला और बना दिया, लेकिन मैं धुल नहीं सकती, मेरे बस की नहीं है गाइस कि मैं उसको धुलूँ, क्योंकि मुझे उसको देख के ना ऐसा लगता है कि थोड़ा अंदर से गाइस। तो गाइस बस अगर जान की दर्द को भी मुझे खिलाना होता है तो मैं उसको भी स्पून से तोड़ तोड़ के और स्पून से पकड़ के ही वॉश करके तब खिलाती हूँ। तो गाइस मैं आती हूँ इसमें सब्जी रख के, और कुकर मैंने कर दिया खाली, और मैं डाली हूँ किचन में क्योंकि बर्तन तो मुझे भी वहीं धुलने पड़ेंगे, और नहीं तो कहीं धुलूँगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बर्तन धुलने सुबह तो आती है काम करने, वो मेरा मन होता है कि चलो धुल देती हूँ, किचन साफ रहेगी रात में तो धुल देती हूँ, वरना जब थक जाती हूँ ज़्यादा मन नहीं होता है तो छोड़ देती हूँ, फिर सुबह आती हूँ तब धुलती है तब वो काम करती है। तो अभी देखती हूँ मन होगा तो धुलूंगी, नहीं तो मैं और काम करूँगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ अब अंदर के रूम में, जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में, क्योंकि गाइस ये रूम ठंडा रहता है काफ़ी गर्मियों में, और जो अंदर वाले रूम हैं गाइस वो बहुत गर्म रहते हैं, तो जब
ठंड होती है तब हम अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं, और जब गर्मी आती है तो हम इस रूम में आ जाते हैं। बाहर वाला रूम है हमारा ये, और ये काफ़ी ठंडा रहता है इसलिए हम गर्मियों में इसी में सोते हैं। तो अब मैं जल्दी से फटाफट, बच्चे अंदर हैं टीवी देख रहे हैं अपने पापा के साथ, तो मैं ये बिस्तर ठीक कर देती हूँ, सोने की तैयारी करें। यही रहता है हमारा रात का रूटीन। हमारा बिस्तर गाइस दिन में कम से कम 8-10 बार तो सही होता होगा। अभी मैं ये रूम ठीक करूँगी, थोड़ी देर आएंगे फिर बच्चे ऐसे खेलेंगे। अब छोटे हैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। जब मेरा घर पूरा बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं अपने रूम का मेकओवर करूंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कौन से रूम में क्या किस तरीके से करूं, क्योंकि जब मैं आई थी तब मैंने सारा सेटिंग अलग तरीके से किया था, बट अब सारा दोबारा से करना होगा तो सोचना होगा कि कहाँ क्या चीज़ सेट करूं, कैसे करूं। तो आप लोग मुझे मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे राय दीजिएगा कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा बाहर का रूम है और इसमें हम लोग गर्मी में सोते हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। और बीच वाला रूम हमारा जो है वो गाइस वो गेस्ट रूम है, जिसमें मैंने पूजा का मंदिर बनाया हुआ है, और अंदर वाला हमारा बेडरूम है। तो आप लोग मुझे आइडिया दीजिएगा। मेरा नेल्स टूट गया, एकदम फ्लो पकड़ा ना तो नेल्स एकदम मुड़ गया। गाइस आपके साथ भी होता है, जबकि मैंने नेल्स काट दिए हैं, नेल्स भी मेरे बड़े नहीं हैं, तब भी गाइस मेरे हाथ में एकदम से लग गया। तो बस गाइस अब हमने बिस्तर लगा दिया है मैंने, और उसके बाद मैं बस दूध गर्म हो रहा है, दूध लेकर आऊँगी और बस दूध पी के सब लोग सो जाएंगे, और बस थोड़ी देर में बच्चे खेलते खेलते थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, मैं बैठ देंगी। तो गाइस यही रहता है, बस थोड़ा सा अपना फेस वॉश करूँगी, फिर उसके बाद अपना टोनर और वो लगाऊंगी यहीं पे, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो स्किन केयर करूँगी और उसके बाद बस हम लोग सो जाएंगे। वहाँ से देखिए मेरे बच्चे आ गए गाइस, मेरे हस्बैंड और बच्चे झाँक के देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो क्योंकि अब सोने का टाइम है ना, तो अब सब लोग अपने इस रूम में आ जाएंगे, तब तक टीवी भी देखते हैं, खाना पीना खाते हैं, तब तक अंदर वाले टीवी वाले रूम में रहते हैं। तो गाइस बस मैं अब जा रही हूँ फेस वॉश करने, फेस वॉश करके आती हूँ। हाँ गाइस, और मैं फेस अपना जो वॉश करती हूँ गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फेस, तो गाइस मैं इतना फेस वॉश धुल के आई हूँ अभी, और ये मेरा पॉन्ड्स का देखिए ख़त्म भी हो गया। ये पॉन्ड्स का है मेरा गाइस जो है चारकोल का फेस वॉश है, विथ एक्टिवेट चारकोल एंटी पॉपुलेशन और प्योरिटी, बहुत अच्छा है गाइस। तो मैं इससे अपना फेस वॉश करती हूँ, थोड़ा सा लेट और इसको ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से हमें अपना फेस वॉश करना है अच्छे से। हमें अपना स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, और रात में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे दिन धूल मिट्टी पसीने में रहते हैं, पसीना आ ही जाता है कितने भी हमें एसी में हो, रूम में हो, इधर से उधर जाना होता है, खाना पीना बनाना होता है, तो हमें नाइट स्किन केयर तो ज़रूर करना चाहिए अगर हम एक बार सुबह का हम अवॉइड कर देते हैं तो, क्योंकि स्किन केयर नहीं करेंगे तो हमारा फेस बहुत डल हो जाएगा, तो हमें उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो गाइस मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, तो गाइस फेस वॉश करके मैं आ गई हूँ। देखिए इसका फेस वॉश का असर देखिए गाइस, और अब मैं
यूज़ करूँगी टॉनर का जो गुड वाइब्स का है। बाद मैं गाइस यूज करूंगी सीरम का, ये भी मैं गुड वाइब्स का रोज हिप का ही सीरम यूज करती हूँ। इसका मैंने रिव्यू भी गाइस डाला है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसका रिव्यू भी देख सकते हैं कि इसके बारे में। बस गाइस यही रहता है मेरा स्किन केयर मॉर्निंग टू नाइट, जो हमें करना बहुत जरूरी है। बस हमें अपने आईज को इससे बचाना है छोटे बच्चों से। ठीक है गाइज, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट।